सबसे पहले तो कुछ एंड पॉइंट्स हम चेक कर लेते हैं। यूजर का साइन इन हमने बना रखा है एपीआई स्लैश साइन इन पर, और यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ यूजर हम बनाते हैं। जैसे मैंने 62 यूजर बनाया और साइन इन पे क्लिक किया, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, तो साइन अप का देख लेते हैं। बॉडी के अंदर गए और यहाँ से मैंने ले लिया देखना, मैं हिट करता हूँ तो अगेन इसको यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए। ये हमारा जो है एक्सप्रेस वैलिडेटर काम कर रहा है, ये सारे जो एरर्स मैसेज आ रहे हैं ये एक्सप्रेस वैलिडेटर की वजह से आ रहे हैं। तो इसको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें देना पड़ेगा। पासवर्ड पहली बात कंपलसरी है, पासवर्ड 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, यूजर नेम भी 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। सो वन बाय वन एक एक फील्ड यहाँ पर आप दे देना। सो यहाँ पर मैंने दिया पासवर्ड दिया मैंने, और पासवर्ड दिया 123 123, और साथ साथ यहाँ पर हम जो दे देते हैं वो यूजर नेम दे देते हैं, ठीक है ना। सो यूजर नेम दिया मैंने, यही दे देते हैं यूजर नेम। कॉपी किया, पेस्ट किया और सेंड पे क्लिक किया, तो ये बता रहा है यूजर नेम। सो 123 123, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है ना, सो इस नाम का एक यूजर बन गया है बेसिकली, ठीक है ना। सो यही हम लॉगिन करके देखते हैं। सो साइन अप मैंने कर दिया है, ये देखिए यहाँ पर, और ये जो यूजर बना है वो यूजर का है, और साइन अप मेथड मैंने यूज करी है। आप भी अपना एक पोस्टमैन का कलेक्शन बना के रख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से सेव करके पोस्टमैन का कलेक्शन आप बना के रख सकते हैं। मैंने एक ओके सेल का पोस्टमैन का कलेक्शन बना रखा है। अब यहाँ पर आप साइन इन पे जाओ और अपना यूजर नेम दो, ये मैंने यूजर नेम दिया, और पासवर्ड जो है 123 123 है। सो यहाँ से मैंने पासवर्ड लिया 123 123 और मैंने सेंड पे क्लिक किया, और यहाँ पर ये टोकन आ गया है, ठीक है ना। इस टोकन को आप कॉपी कर लेना, और आपके पास एक ऐसा एंड पॉइंट होना चाहिए जो कि यूजर प्रोफाइल होगा बेसिकली। सो इस टोकन के अंदर यहाँ पर मैं गया और SRC के अंदर राउट्स के अंदर यूजर राउट के अंदर, और यहाँ पर एक ऐसा एंड पॉइंट होगा जो कि यूजर प्रोफाइल वाला होगा। ये देखो, ये यूजर प्रोफाइल वाला, और ये यूजर प्रोफाइल वाला आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। सो यूजर प्रोफाइल, सो मैं एक और बना लेता हूँ, इसी को मैंने कॉपी किया यहाँ पर बात किया, और इसी एंड पॉइंट को कॉपी किया, ठीक है। और इस एंड पॉइंट को मुझे हिट करना है किससे, पोस्ट मेथड से, है ना। सो ये पोस्ट मेथड एंड पॉइंट, एंड यहाँ पर जो है हमें इसको सेव कर लेना पहले तो। सो ये मैंने इसको यूजर प्रोफाइल 2 दे दिया, और इसको कलेक्शन, जो भी कलेक्शन आपने बनाया होगा वो आप सेव कर लेना। तो यहाँ पर आ गया यूजर प्रोफाइल 2। उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रोफाइल को जो है अगर बगर मिडिलवेयर के मैं एक्सेस करूँ, बगर मिडिलवेयर के एक्सेस करूँ तो मुझे आउटपुट आ जाएगा यूजर प्रोफाइल आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यूजर प्रोफाइल को जो है वो यूजर ही एक्सेस कर सकता है। सो यहाँ पर जो है आप अपने कंट्रोलर्स में जाना, ऑथ के अंदर जाना, और ऑथ के अंदर हमने एक फंक्शन बना रखा है, ऑथ नाम से एक फंक्शन बना रखा है, जिसका काम ये है कि ये जो टोकन आ रहा है उस टोकन को वेरीफाई करता है। अगर टोकन गलत हुआ तो रिस्पॉन्स में दे देता है इनवैलिड टोकन, और ये जो ऑथ मेथड है ये ऑथ मेथड सिर्फ टोकन को वेरीफाई करती है, ये रोल्स को वेरीफाई नहीं करती है। ये टोकन यूजर का आ रहा है कि एडमिन का आ रहा है, इस मेथड का वो काम नहीं है। इस मेथड का काम क्या है, सिर्फ जो टोकन आ रहा है वो वैलिड है कि नहीं है, वो चाहे यूजर का टोकन हो चाहे एडमिन का टोकन हो, इस मेथड का काम सिर्फ इतना है कि टोकन को चेक करना है कि टोकन वैलिड है कि नहीं है। सो ये जो मेथड है ये डेफिनेटली हमें जो है बार बार यूज में आएगी, तो इस मेथड को जो है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये कट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने कट किया, इसको सेव किया, और इसको कोलैप्स कर लेना, इस बटन से कोलैप्स करना है। SRC के अंदर आपको जाना है और एक फोल्डर बना लेना आप, जैसे मैंने बना लिया कॉमन मिडिलवेयर।
ठीक है ना, कॉमन मिडिलवेयर नाम से एक मैंने फोल्डर बनाया और इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बना दी मैंने, मान लीजिए इंडेक्स डॉट जे एस, और इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर जाके मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। ये मेथड जो एक्सपोर्ट मेथड मैंने यूज किया, ये यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपको देखना है कि अगर आप मेथड कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके लाते हो, तो उस मेथड के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि यूज में आ रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, JWT आ रहा है, तो इस फाइल में ऊपर ही ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, JWT इम्पोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ से JWT आप क्या कर लें, कॉपी कर लें। सो ये मैंने कॉपी किया और उसके अंदर जाके जो कॉमन मिडिलवेयर के अंदर है वो मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है। ये हमारा JWT का टोकन आ गया। अब इस ऑथ मेथड को जो है हमारे यूजर राउट के अंदर, यहाँ पर ये ऑथ मेथड मैंने पेस्ट किया, और इस मेथड को आप यहाँ से कॉपी करना और स्पेस प्रेस करना, और आपको जो है ये मेथड जो है कंट्रोल स्पेस प्रेस करोगे तो ये मेथड यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगी, मगर ये मेथड डिटेक्ट नहीं हो रही है। सो चूंकि ये मेथड यहाँ से मैंने हटा दी है, तो यहाँ से मैं हटा दूंगा इसको, है ना। नेम्ड इंपोर्ट से मैंने हटा दिया है और सेव किया। अब इस मेथड पे वापस से आपको क्लिक करना है, कंट्रोल स्पेस प्रेस किया, अब ये खुद ही जो है आपका जो विजुअल कोड है खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि ये मेथड एक्चुअल में पूरी लाइब्रेरी में आपने कहाँ इसकी डेफिनेशन एक्सपोर्ट कर रखी है, मतलब ये फंक्शन आपने कहाँ रख रखा है और कहाँ से एक्सपोर्ट कर रखा है। तो जहां पे भी आपने इस नाम का फंक्शन मिलेगा, तो वो जो विजुअल कोड है आपको बता देगा। तो वो उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि SRC के अंदर कॉमन मिडिलवेयर फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस नाम से एक फाइल पड़ी हुई है, उस फाइल के अंदर एक ऑथ नाम की फाइल आपने क्या कर रखी है, एक्सपोर्ट कर रखी है, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो कैसे लाया है ये, मैं मेथड पे आप डबल क्लिक कर लेना, मेथड पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल स्पेस प्रेस करना, और यहाँ पर वो खुद ही एक विजुअल कोड क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। सो जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो आप देखिए कि ऑथ यहाँ पर आ गई है ना, ऑथ मेथड आ गई है। सेव किया, और सेव करने के बाद आपकी एप्लीकेशन देखना वापस से चल रही होगी। जब भी आप कोई चेंजेस करें, सेव करोगे, नोड मोन आपकी एप्लीकेशन को रन करेगा। एप्लीकेशन रन होने के बाद एप्लीकेशन क्रैश नहीं होनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन क्रैश हो रही है, तो आपको क्या स्टडी करना है, एरर लॉग स्टडी करना है, एरर को पढ़ना है, ठीक है। सो अभी तक तो मेरी एप्लीकेशन परफेक्ट चल रही है। अब यहाँ पर जो है हमारा सबसे पहला काम है कि देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये तो हम है हमारा एंड पॉइंट, ये है हमारा फर्स्ट मिडिलवेयर, और ये जो लास्ट लास्ट में है ये हमारा क्या है, कॉल बैक है। एक एंड पॉइंट और कॉल बैक के बीच में कितने भी मिडिलवेयर हो सकते हैं। अभी मेरा जो मिडिलवेयर है वो एक ही मिडिलवेयर है, और उस मिडिलवेयर में मैंने एक मेथड दे दिया। तो यहां पर जो है आप देखिएगा, इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास नेक्स्ट मेथड है। अब हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि इस मिडिलवेयर का काम तो क्या है, टोकन को वेरीफाई करना। अगले मिडिलवेयर का काम है कि टोकन जो है वो यूजर का है कि एडमिन का है, उसको वहीं रोक देना। रिक्वेस्ट कैसे चलती है, रिक्वेस्ट एंड पॉइंट से चलती है, एंड पॉइंट से फर्स्ट मिडिलवेयर, सेकेंड मिडिलवेयर, थर्ड मिडिलवेयर, और लास्ट में कॉल बैक पे जाता है। फर्स्ट एंड पॉइंट, देन उसके बाद मिडिलवेयर के अंदर उसको कौन सी मेथड मिलेगी, नेक्स्ट मेथड मिलेगी, नेक्स्ट मेथड उसको कहाँ ट्रांसफर करेगी, अगले मिडिलवेयर के अंदर, अगले मिडिलवेयर के अंदर भी उसको अगर नेक्स्ट मेथड मिल गई, तो वो फिर अगले मिडिलवेयर पर, नेक्स्ट मेथड मिलना बहुत जरूरी है रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। आप देखिएगा कि ऑथ के अंदर ये, इसके अंदर, इस ऑथ मेथड के अंदर, ऑथ मेथड जो हमने एक्सपोर्ट कर रखी है, यहाँ पर हमारी जो है नेक्स्ट मेथड हमने यहाँ कॉल कर रखी है, कि अगर हमने ट्राई किया टोकन को डिकोड किया। यहाँ पर मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, टोकन डिकोड कर रहा हूं। अगर टोकन डिकोड करने में कोई एरर नहीं आई और टोकन सक्सेसफुल डिकोड हो गया है, तो हमें डिकोडेड टोकन को जब मैं डिकोड करूंगा, मुझे क्या मिलेगा, वो ऑब्जेक्ट मिलेगा जब मैंने एनकोड करते समय जो पेलोड अटैच किया था। जो मैंने पेलोड अटैच किया था, वो उस पेलोड के अंदर जो है दो जानकारी मैंने स्टोर करवाई थी, यूजर का आईडी और यूजर का रोल। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है मेरे इसके अंदर अवेलेबल हैं, यूजर के अंदर। तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट अगले मिडिलवेयर पे ट्रांसफर करनी है, तो अगले मिडिलवेयर पे ट्रांसफर करने से पहले जो मेरा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसमें मैं एक प्रॉपर्टी अटैच कर दूंगा, और प्रॉपर्टी का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं मान लीजिए मैंने क्या दिया, XYZ, और उस XYZ में इस यूजर ऑब्जेक्ट को हम अटैच कर रहे हैं, ठीक है ना। इस यूजर ऑब्जेक्ट को मैंने अटैच किया, इस यूजर ऑब्जेक्ट को अटैच किया, उसके बाद यहां पर मैं एक और मेथड बना देता हूं, जैसे कि
मैंने एक मेथड ऑथ नाम से बना रखी है और उसको एक्सपोर्ट कर रखा है, तो मैं किसी भी नाम से एक मेथड बना सकता हूं। सो मैंने अगेन क्या किया, एक्सपोर्ट्स डॉट इज यूजर टोकन, इस नाम का मैंने क्या बना दिया, एक फैट एरो फंक्शन। सो इसके अंदर अगेन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड यहां पर नेक्स्ट दे दिया मैंने, ठीक है ना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। तो देखो फ्लो कैसे होगा, यहां पर ये रिक्वेस्ट आ रहा है, ये लॉजिक यहां पर आएगा, उसके बाद वो टोकन को वेरीफाई करेगा और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स वाई जेड नाम की प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी और इसके अंदर आपका यूजर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। तो बताइए इस यूजर ऑब्जेक्ट को मुझे इसके अंदर अगर एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट एक्स वाई जेड के नाम से, ठीक है ना। सो रिक्वेस्ट डॉट एक्स वाई जेड, क्योंकि ये आपने प्रॉपर्टी यहाँ क्रिएट करी थी और यहाँ पर प्रॉपर्टी आप एक्सेस कर रहे हो, सो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं उसी नाम से जो है प्रॉपर्टी बना देता हूँ कि यूजर नाम से ही बना दिया। सो इसको मैं यहाँ पर यूजर नाम से मैं एक्सेस कर पाऊंगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सा चेक करना है कि चेक इफ इट इज एन यूजर टोकन, हमें ये चेक करना है कि ये जो टोकन है ये यूजर का टोकन है, अगर ये यूजर का टोकन नहीं हुआ तो तुरंत यही रोकना है और रिस्पॉन्स में उसको 403 दे देना है कि इनवैलिड यूजर टोकन। सो एक सिंपल सा इफ एल्स आप लगा लेना। सो मान लीजिए ये मैंने इफ एल्स लिखा और यहां पर मैंने कंडीशन चेक करवाऊंगा मैं कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट रोल इफ इट इज नॉट इक्वल टू, इफ इट इज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, ये नॉट इक्वल टू आपने किया, इफ इट इज नॉट इक्वल टू व्हाट यूजर, अगर वो यूजर नहीं है तो मुझे रिस्पॉन्स दे देना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस मुझे क्या दे देना है, 403 या 404, 403 देना, क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही है, ऑथेंटिकेशन की हो रही है। जब भी कोई ऑथेंटिकेशन फेल होगा या इनवैलिड चीजें आएंगी, इनवैलिड क्रेडेंशियल आएंगे, तो आपको हमेशा स्टेटस क्या देना चाहिए, 403 देना चाहिए। जब भी किसी आप एसेट्स को आप चेक करवा रहे हो, रिसोर्सेस को चेक करवा रहे हो, रिसोर्सेस अगर सर्वर पर अवेलेबल नहीं है तो आपको एरर कोड क्या देना चाहिए, 404 देना चाहिए। सो यहाँ पर हम वैलिडेशन की ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं इसलिए मैं स्टेटस क्या दूंगा जो कि स्टैंडर्ड है, 403। उसके बाद आप यहां से जेसन ऑब्जेक्ट दे दिया और इस जेसन मेथड को मैंने कॉल करवाया है, यहां पर मैंने मैसेज बोल दिया और मैसेज में मैंने बोल दिया इनवैलिड यूजर टोकन, और है ना इनवैलिड यूजर टोकन दिया मैंने, अगर ये यूजर नहीं है तो ये होगा, अगर यूजर हुआ तो मैं क्या करूंगा, सिंपली नेक्स्ट मेथड को कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखिएगा इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, इसी मेथड का मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया, इज यूजर टोकन की जगह मैं यहां पर क्या दूंगा, इज एडमिन टोकन, और यहां पर मैं क्या करूंगा एडमिन, ठीक है। सो ये यहां पर हुआ और यहां पर मैंने बोला एडमिन, ठीक है, सेव किया, ये दोनों मेथड मैंने यहां पर करी। अब मैं यूजर के राउट पर जाऊंगा और यहां पर मैं किस मेथड को करूंगा, इज यूजर टोकन, ये मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल स्पेस प्रेस करूंगा और इस मेथड पे एक बार क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही आपको ऊपर जाके देखना है कहीं ना कहीं इंपोर्ट हो गया होगा। सो ये देखिए, सो नेम्ड इंपोर्ट हो गए हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर मेथड्स के नाम लिखे हुए तो नेम्ड इंपोर्ट है, और नेम्ड इंपोर्ट है इसका मतलब आपने एक्सपोर्ट किस टाइप से किया है, नेम्ड एक्सपोर्ट किया हुआ है। So, ये दोनों मेथड्स आ रही हैं, तो ये हमारा एंड पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट मिडिलवेयर है, ये हमारा सेकंड मिडिलवेयर है और ये हमारा कॉल बैक है, ठीक है ना। फर्स्ट मिडिलवेयर, एंड पॉइंट, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन ये यहां पर। तो इसके अंदर भी नेक्स्ट मेथड कॉल्ड है, इसके अंदर भी नेक्स्ट मेथड कॉल्ड है, और यहां पर आके मेथड हमारी आ जाएगी और यूजर प्रोफाइल आ जाएगा। अब देखना मैं यहां पर इसको सेव करता हूं, सेव करते समय आपकी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल एल प्रेस करें, एनपीएम वापस से किया, स्टार्ट किया मैंने, कोई एरर नहीं आ रही है। अब आप जाइए पोस्टमैन के अंदर, यूजर प्रोफाइल लिया और यहां से जो है आपको हेडर्स देना पड़ेगा, यहां पर हेडर्स आपने क्या दिया, ऑथोराइजेशन दिया, यहां पर लिखना पड़ेगा क्या, बियरर स्पेस और आपका टोकन। तो टोकन आई थिंक साइन इन करते समय टोकन मैंने ले लिया था, मैं वापस से कॉपी कर लेता हूं और यूजर प्रोफाइल में मैं गया,
बियरर लिखा मैंने, बियरर स्पेस, और यहां पर मैंने टोकन दिया, और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये टोकन किसका टोकन है, यूजर का टोकन है। सो यहां पर मैंने क्लिक किया, इनवैलिड टोकन आ रहा है। पहली बात तो हम ऑथराइजेशन चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये तो परफेक्ट आ रहा है कि अगर मैं ऑथराइजेशन नहीं दूंगा तो ये आ रहा है ऑथराइजेशन हेडर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या किया, इनवैलिड यूजर टोकन आ रहा है, ठीक है ना। मैं यूजर का एंड पॉइंट हिट कर रहा हूं और यूजर के एंड पॉइंट पे हमारा जो टोकन आ रहा है वो ये आ रहा है। अब ये इसलिए आ रहा है बेसिकली क्योंकि साइन इन करते समय आपने रोल वाला पेलोड शायद अटैच नहीं किया हुआ है, तो वो हम देख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो हम गए अपने कंट्रोलर के अंदर, ऑथ के अंदर, है ना, और ऑथ के अंदर ये ऑथ फाइल जो है ये यूजर की ऑथ फाइल है, और ये रहा साइन अप। और ये रहा साइन इन, आप देखिए यहां पर कि जब मैं टोकन को एनकोड कर रहा था, यहां पर मुझे क्या करना है, टोकन एनकोड करना है, तो टोकन एनकोड करते समय मैंने यूजर आईडी अटैच करी मगर रोल अटैच नहीं किया। यहां पर आप देख लेना इसको, रोल कॉलन यूजर डॉट रोल, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है यहां पर, ये वाला यूजर डॉट रोल। अब आप ये भी चेक कर लेना कि जो मॉडल फाइल है उसके अंदर आपने रोल ले भी रखा है कि नहीं ले रखा है, और डेफिनेटली ले रखा है हमने, या देखिएगा यहां पर ये रोल है ना। रोल ये आ रहा है हमारा, ठीक है ना। यहां पर हम गए कंट्रोलर के अंदर, ऑथ के अंदर, और आप देखिए कि ये रोल मैंने अब अटैच कर रहा हूं, तो अब मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा, यूजर का साइन इन करना पड़ेगा। मैंने सेव किया और मैं गया पोस्टमैन में और मैंने साइन इन किया, साइन अप करते हैं। तो पहले मेरे ये 1 2 3 4 था, मैं 5 कर देता हूं, और इसको भी मैं 5 कर देता हूँ, 4 की जगह 5 कर देता हूँ, साइन इन क्लिक किया, ठीक है, यूजर बन गया। अब आपका ये यूजर नेम मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ये यूजर नेम मैंने कॉपी कर लिया, साइन इन पे गया, पेस्ट किया, और पासवर्ड वही था, है ना। आई थिंक देखो ये टोकन मिल गया, इस टोकन को कॉपी किया। ध्यान रखना है कि डबल कोट्स के बीच वाला जो भी टोकन है वो आपको कॉपी करना है, फिर आप अपने एंड पॉइंट पर जाओ और एंड पॉइंट पर आप अपना टोकन दो। यहां पर मैंने टोकन दिया, पहले एरर इसलिए आ रही थी कि वो टोकन के अंदर आपने रोल ही अटैच नहीं किया था। अब हम थोड़ा सा रोल अटैच कर लेते हैं, ठीक है, और मैंने यहां पर किया, ये देखो ये आ गया। अब अगर इस टोकन में मैं कुछ भी गड़बड़ कर देता हूं, जैसे 68 लास्ट का हटा दिया, तो ये बता रहा है क्या, इनवैलिड टोकन। और अगर मैं यहां पर 68 अटैच कर दूं वापिस से क्लिक करूं, तो ये क्या बोल रहा है, यूजर प्रोफाइल, ठीक है ना, आ रहा है मतलब टोकन सही है। और मैं ऑथराइजेशन हेडर अगर दूं ही ना और यूजर प्रोफाइल को एक्सेस करूं, तो ये बता दिया ऑथराइजेशन हेडर इज रिक्वायर्ड। तो दो चेक तो हो गए कि हेडर कंपलसरी है, टोकन वैलिड है। अब हमें एक चेक और करना पड़ेगा कि यदि मैं एडमिन का टोकन दे के अगर यूजर की प्रोफाइल एक्सेस करूं तो एक्सेस नहीं होना चाहिए, वो हमें करना है, तो हमें एडमिन का साइन इन कर लेते हैं पहली बात तो। यहां पर मैंने लिया, साइन अप करते हैं पहले, तो बॉडी के अंदर गया और एडमिन या 55 दे दिया मैंने, यूजर नेम एडमिन 55 दे दिया, और ये मैंने साइन इन किया, मैंने साइन अप कर दिया। तो मेरा जो ईमेल है admin55@oclips.in है, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और साइन अप करता हूँ। पासवर्ड मेरा ध्यान रखना 123123 है, तो ये साइन इन किया और यहाँ से मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये पेस्ट किया। और ध्यान रखना है आपको कि अभी मैं साइन इन किस में कर रहा हूँ, एडमिन के इसमें कर रहा हूँ, है ना। अब आप देखना टोकन मिल गया, ठीक है ना, टोकन को कॉपी कर लो। अब इस टोकन से मैं किसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, यूजर प्रोफाइल को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो यहां से ये टोकन आप हटा देना। यहां से ये टोकन में जो है
ये टोकन मैंने पेस्ट कर दिया है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये टोकन एडमिन का टोकन है ना, और एडमिन कभी भी यूजर प्रोफाइल को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो अब देखना क्या होता है, इनवैलिड यूजर टोकन। तो इस तरीके से सक्सेसफुली जो है आप टोकन वाइज आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से मैंने यूजर का प्रोफाइल बताया है, आप अपने एडमिन के प्रोफाइल को भी आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं गया एडमिन राउट्स, और यहाँ पर आप देखिए ये एडमिन प्रोफाइल है। इस मेथड को मैंने यहाँ से हटाया, इस मेथड को मैंने यहाँ से हटाया, और ये ऑथ स्पेस पे क्लिक किया, कॉमन मिडिलवेयर से मैं लाया। और उसी तरीके से एक और मेथड इज एडमिन टोकन, तो यहां पर भी आपका जो है वर्क हो जाएगा। ये देखो अब एडमिन प्रोफाइल है आपकी, ठीक है ना। सो कनेक्टेड किया, सेव किया, npm स्टार्ट, परफेक्ट चल रहा है। अब जिस तरीके से मैंने यूजर प्रोफाइल एक्सेस किया है, उसी तरीके से आप एडमिन प्रोफाइल को एक्सेस करके देखिए। तो आपको पता है कि अभी जो है मैंने जो टोकन कॉपी किया हुआ है, वो टोकन मेरे पास किसका टोकन है, एडमिन का टोकन है। तो मैं यहाँ पर जाके पुराना कोई टोकन, पहली बात तो ऑथोराइजेशन में हटाता हूँ, तो देखो क्या आ रहा है, ऑथोराइजेशन लेटर इज रिक्वायर्ड। उसके बाद में ये कल का जो ऑलरेडी पेस्ट है इनवैलिड टोकन आ गया। अगर मैं यहाँ पर जो है इसको रिमूव करूँ, पेस्ट करूँ ये टोकन, और ये टोकन आप ध्यान रखिएगा कि अभी जस्ट मेरे पास एडमिन का टोकन था, है ना, और मैं इसको हिट करता हूँ, तो ये अगेन इनवैलिड टोकन आ रहा है यहाँ पर, इनवैलिड एडमिन टोकन। हाँ अगेन इनवैलिड टोकन क्यों आ रहा है, क्योंकि एडमिन के उसमें, एडमिन के ऑथेंटिकेशन में जब आप साइन कर रहे हो, उस समय भी आपने रोल अटैच नहीं किया था पेलोड के अंदर। सो अगेन यहां पर मैंने क्या किया, टोकन एनकोडिंग, टोकन एनकोडिंग, और यहां पर आपको कौन सा रोल अटैच करना पड़ेगा, यूजर डॉट रोल आपने अटैच किया। ये यूजर ऑब्जेक्ट मुझे यहां से मिल जाएगा, और ये मैंने दो डाटा, जब मैं किसी को टोकन दे रहा हूं तो मैं उसको उस टोकन के अंदर, मान लो हाँ, एक टोकन है ना, एक टोकन है, या कोई एनवलप है, मान लीजिए मेरे पास उस एनवलप के अंदर मैंने दो नाम लिख के एनवलप को क्लोज करके एनवलप को दे दिया, और जब वो एनवलप खोलेगा तो उसको वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो उसके अंदर मैंने फर्स्ट टाइम लिखी थी। तो ये कुछ इसी तरीके से काम कर रहा है कि यहाँ पर मैंने दो जानकारी है उस कोड के अंदर, टोकन के अंदर मैंने स्टोर करवा के वो टोकन मैंने यूजर को दे दिया, और यूजर जब भी वो टोकन मुझे देगा तो मैं दो चीजें चेक करवाऊंगा कि भैया ये टोकन 1 घंटे के अंदर अंदर जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी एक्सपायरी टाइम 1 घंटे से ज्यादा तो नहीं होगी, अगर 1 घंटे से ज्यादा हो जाएगी तो मैं उसको बोलूंगा इनवैलिड टोकन। हाँ 1 घंटे के अंदर वो टोकन मुझे वापस देगा तो मैं उसको ये चेक करवा लूंगा बाद में कि ये इसका रोल क्या है ना। तो सेकंड मिडिलवेयर बना के आप चेक कर सकते हो। सो ये मैंने सेव किया, अब आप वापिस से ये टोकन, तो इस टोकन के अंदर रोल पेलोड है ही नहीं, तो आपको वापिस से क्या करना पड़ेगा, एडमिन साइन अप करना पड़ेगा, और ये 55 की जगह मैं ले लेता हूँ 56 ले लेता हूँ, 56 ले लेता हूँ, साइन इन क्लिक किया और ये मुझे टोकन मिला, और मैं यहाँ पर गया, वापस से गया, और यहाँ मैंने 56 दे दिया, और यहाँ पर मैं गया मुझे नया टोकन मिला, नया टोकन मैंने कॉपी किया, अब मैं एडमिन के प्रोफाइल पे गया, ये मैंने टोकन लिया, ठीक है ना, और मैंने पेस्ट किया, और शायद अब मैं एडमिन के राउट को एक्सेस कर सकता हूँ एडमिन प्रोफाइल। अगर इस प्रोफाइल में कुछ भी गड़बड़ करी मैंने, कुछ भी टोकन गलत दे दिया, तो मैसेज आ जाएगा इनवैलिड टोकन, ठीक है ना। सो इस तरीके से एडमिन का प्रोफाइल और यूजर का प्रोफाइल, एडमिन जो है एडमिन के प्रोफाइल को ही एक्सेस कर सके, यूजर जो है यूजर के प्रोफाइल को भी एक्सेस कर सके, ऐसा हमने
वैलिडेशन लगा दिया है मिडिलवेयर की सहायता से। सो मिडिलवेयर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आपका नेक्स्ट मेथड होता है जो उसको ट्रांसफर करने के लिए होता है। और यहाँ पर आज हमने ये चीज भी चीज सीखी है कि मिडिलवेयर के अंदर आप रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कीज बना के दूसरे मिडिलवेयर के अंदर आप उसको वापस से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट मिडिलवेयर के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया, यूजर ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया। सेकंड मिडिलवेयर के अंदर उस वापस से उस यूजर ऑब्जेक्ट को मैंने लेके उसका रोल चेक करवा के मैंने वैलिडेशन लगा दिया। तो इस तरीके से भी आप वर्क कर सकते हो।